नमस्कार, मैं हूं नीता नुमन। आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। घरौंदा के किसानों ने अधिक उत्पादन को लालसा में फसलों को जहरीला बनाने का काम किया है, क्योंकि इसके लिए नई अनाज मंडी में किसान मेला लगाया गया, जिसमें खेती जगत से जुड़े वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिकों ने किसानों को पेस्टिसाइड की खेती करने की तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही कार्यक्रम में हैफेड चेयरमैन और हल्का विधायक हरविंद्र कल्याण ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और कहा कि फसलों को पेस्टिसाइड मुक्त करने के लिए किसानों का जागरूक और शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। आज जो प्रोग्राम रखा गया है राइस जो उसमें पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा पाई जा रही है। हमारे विदेश में, यूरोप में, सऊदी में उन्होंने पेस्टिसाइड के सेल्स के लिए बड़े स्ट्रिक्ट कर दिए हैं और ये पेस्टिसाइड का लेवल कम रहे, किसानों को जागरूक करने के लिए इस बारे में आज प्रोग्राम रखा है। और विदेश अपने देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें बुलाए गए हैं, वैज्ञानिक जो इसके बारे में किसानों को राय दे रहे हैं कि किस समय पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और अच्छे बीजों का बिजाई करें, कम से कम पेस्टिसाइड का यूज़ करें ताकि बासमती चावल तैयार होता रहे और किसान को अच्छे दाम मिलते रहे। बासमती में यदि किसान को समस्या होगी, एमी को भी समस्या होगी, एक्सपोर्टर को यदि माल नहीं मिलेगा तो वो एक्सपोर्ट कैसे कर पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसानों को शिक्षित करें और उद्यमी नहीं, इसमें सभी कड़ियों को आना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सामाजिक भी आवश्यकता है कि हम अपने देश में भी खुद भी खा रहे हैं, तो वो ऐसा अन्न होना चाहिए जिसमें पेस्टिसाइड्स की मात्रा ना हो। और पेस्टिसाइड्स की जो समस्या है ये ऐसी नहीं है कि जिसको हल नहीं किया जा सकता। देखिए, आज का समय एक बहुत बड़ा संतुलन बनाने की ज़रूरत है किसान के लिए, क्योंकि जहां पैदावार बढ़ाने का एक दबाव है, वहीं इस बात का भी एक विषय आज के समय में है कि खाद बीज वो ऐसे संतुलित मात्रा में फसल में डाले जाएं जिसकी वजह से कोई भी मात्रा बढ़ने से जो फसल है उसके अंदर वो मात्रा ज़्यादा होगी तो उसको खाने से उसका नुकसान होगा, सेहत के लिए नुकसान होगा, जिस कारण से आज बीमारियां बढ़ रही हैं। तो आज का जो ये कार्यक्रम है ये एक बहुत ही अहम विषय के ऊपर कि संतुलित मात्रा में पेस्टिसाइड फसल के अंदर डले, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जागरूकता लाने का कार्य ये आज का किसान मेला करेगा। तो वहीं दूसरी ओर पलवल जिले में महंगी हुई सब्जियों ने महिलाओं का रसोई का बजट बिगाड़ दिया है और वहीं सब्जियों के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे। आजकल आए दिन सब्जियों के बहुत दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं होटल क्षेत्र में जमीन में पानी की कमी के चलते यहाँ सब्जियों के दाम बड़े बड़े शहरों को भी मात दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि बरसातों के दिनों में सब्जी खाना हुआ मुश्किल होता जा रहा है। तो वहीं सब्जी विक्रेता श्याम सुंदर का कहना है कि लोग सब्जी खरीदने तो आते हैं लेकिन भाव को सुनकर कुछ लोग तो वापस चले जाते हैं या फिर कम खरीदते हैं। उन्होंने कहा, जब कोई सब्जी खरीदने वाला ही नहीं आता तो कोई दिन उनकी भी सब्जी खराब हो जाती है। सब्जी महंगी है रही है, इससे घर चलाना बहुत पहले ही बहुत भारी है रहो और इससे ज्यादा अब और भी फालतू है रहो। बोल कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं लोग, बहुत महंगाई है रही है। सब्जी गर्मियों में महंगी हो जाती है जी, बरसात के मौसम में तो उसका रेट बढ़ जाते हैं। उसके बाद 80 रुपए किलो है, टमाटर 80 रुपए किलो है और मटर 150 रुपए किलो है, बंद गोभी 40 रुपए किलो है, बैंगन 40 रुपए किलो है, भिंडी 40 रुपए किलो है, टिंडा 40 रुपए किलो है, लौकी 20 रुपए किलो है। तो काफी महंगाई है सब्जी। हाँ जी, महंगाई चलेगी, एक महीने और चलेगी। तो दूसरी ओर पलवल के नागरिक अस्पताल में जिला चिकित्सा अधिकारी प्रदीप शर्मा ने अस्पताल के डॉक्टरों को और सभी कर्मचारियों को पहचान के लिए आई कार्ड वितरित किए हैं। तो वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि आई कार्डों से डॉक्टरों की और कर्मचारियों की पहचान होगी और इससे अस्पताल में आने वाले लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी, जिससे डॉक्टर और कर्मचारियों को भी काम करने में मन लगेगा। अलग अलग रंग के कार्ड वितरित किए हैं और ये भी कहा है कि पलवल जिला में आई कार्ड की शुरुआत करने वाला पहला अस्पताल बताया है। जिले में हमने सभी डॉक्टरों को आईडी कार्ड इशू कर दिया है। ये इस तरह का कार्ड होगा जिसमें कि अधिकारी का नाम, उसका डेजिग्नेशन, सारा कुछ इसमें चिन्हित होगा। तो एक ये सिस्टम जो डिपार्टमेंट को सिस्टमेटाइज करने की ज़रूरत है, इसी तरह से हम बाकी अन्य जो कर्मचारी हैं उनको भी आई कार्ड इशू करेंगे।
ताकि ड्यूटी के टाइम में कोई भी ऐसा आदमी ड्यूटी पे ना बैठा हो जिसकी कोई आईडी के बारे में डाउट हो। और आईडी कार्ड होने से कल को कोई भी दिक्कत होती है, कोई शिकायत होती है या कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा कर्मचारी, तो उसको भी आइडेंटिफाई कर। रोहतक में सरकार की फसलों पर मूल्य बढ़ाने के फैसले से किसान यूनियन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा किया है। तो वहीं किसान यूनियन ने कहा है कि अगर फसल का मूल ब्याज समेत सरकार नहीं देती है तो धरना प्रदर्शन करेंगे। दरअसल रोहतक की अनाज मंडी में जिला किसान यूनियन ने बैठक कर फैसला लिया है कि सरकार किसानों को उसकी फसल का ब्याज समेत मूल देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ने अभी तक गन्ने की फसल का भी पूरा पैसा किसानों को नहीं दिया है, वो भी सरकार जल्द से जल्द दे। यूनियन ने सरकार को चेतावनी भी दी कि किसानों की मांग मान लेने नहीं तो किसान यूनियन जगह जगह पर धरना करेगी। और जो भी सरकार ने 150 रुपए बढ़ाए हैं इससे किसान संतुष्ट नहीं है फसल का भाव से, उनका जो खर्चा जोड़ के और उसका ब्याज समेत उनका मूल बढ़ाया जाए। और यहाँ किसान यूनियन में जो भी हमें भी इकट्ठे हुए थे ये अपने एजेंडा पास कराया है, उसके लिए अगली मीटिंग में हम प्रदेश अध्यक्ष से बात करके फिर जगह जगह धरने धरेंगे। तो वहीं दूसरी ओर सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने लोहारो ब्लॉक के कार्यकर्ताओं से बुधवार अपने वर्करों से बंद कमरे में मुलाकात कर पार्टी संगठन को मजबूत करने का पाठ पढ़ाया। वहीं दिशा निर्देश के साथ साथ वर्करों से फीडबैक भी लिया। सीएलपी लीडर ने रोडवेज के चक्का जाम पर कहा कि मौजूदा सरकार हर मामले में विफल है और इस सरकार में जनता और कर्मचारियों की आवाज नहीं सुनी जाती। सरकार की गलत नीतियों के कारण मजबूर होकर धरने प्रदर्शन और चक्का जाम जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। किरण चौधरी ने कार्यकर्ताओं से बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत की और सरकार के अलावा विपक्षी दल इनेलो पर तीखे हमले बोले। ये सरकार पूरी तरह से हर फ्रंट के ऊपर फेल हो चुकी है। 4.5 साल के अंदर जिस तरह से प्रदेश को नॉन गवर्नेंस के अंदर धकेल दिया है वो शायद पहली बार ये हरियाणा के अंदर हो रहा है। और इसी का नतीजा ये है कि जब सरकार का अंकुश खत्म हो जाता है तब ये सारी कार्रवाई शुरू होती हैं, सब लोग असंतुष्ट हो जाते हैं और असंतुष्ट होते हैं उनकी आवाज़ जब सुनाई नहीं दी जाती तो फिर वो धरने प्रदर्शन जो हैं चक्का जाम उसके ऊपर उतरते हैं। ये सरकार की नीतियां जो हैं ये गड़बड़ नीतियों के कारण आज हरियाणा के अंदर ये सारा कुछ देखने को मिलना है। दूसरी ओर महम में भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव अशोक बलहरा ने मंगलवार को महम 24 के कई गाँवों का दौरा किया और 12 अगस्त को जसिया में होने वाले भाईचारा सम्मेलन में पहुंचने का निमंत्रण दिया। तो वहीं अशोक बलहारा ने कई गांव का दौरा कर महम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसी दौरान उन्होंने यह जानकारी दी जिसमें उन्होंने बताया कि मंगलवार महम 24 की कई गांवों का दौरा करके आए हैं और हर गांव में भाईचारा सम्मेलन को लेकर काफी जोश है। मुख्यमंत्री क्या बयान दे रहे हैं, मुख्यमंत्री के शब्दों की कोई कीमत नहीं है। जो मुख्यमंत्री 4 बार समझौता राष्ट्रीय स्तर के मीडिया के आगे कर चुका है और आज वो कोई अनाप शनाप बात कहे तो हम तो इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करते। हमारा यही कहना ये भाईचारा जो सम्मेलन हो रहा है और जो 16 तारीख से आंदोलन शुरू होगा 16 अगस्त से, हम मुख्यमंत्री से जहाँ भी वो जनसभा करेंगे यही पूछेंगे कि आपने 4 बार समझौता कराया वो लागू क्यों नहीं हो रहा। और ये गलत फहमी है सरकार का चाहे केंद्र की सरकार है चाहे हरियाणा की सरकार है, भाई यहाँ मुसलमान तो है नहीं या 1 और 35 में बंटवारा चाहती है जबकि गांव में भाईचारा पहले की तरह यूँ की हो। जो सरकार ने जाट को बदनाम करने का प्रयास किया था वो अभी के बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए राष्ट्र को। नमस्कार।